नरेशन का भाग तीन हम दे दिए हैं, आज हम भाग चार बनाने जा रहे हैं। और नरेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगी कि जहां हमारे बच्चों को समझने में कहीं दिक्कत हो, हम एक एक पॉइंट, एक एक नियम, चाहे ग्रामर का जो भी चैप्टर उठाएंगे, हम पूरा नियम बताएंगे। केवल आप लोग वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, जहां कहीं दिक्कत हो कमेंट करिए। तो हम भाग तीन में नियम तीन हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे नियम तीन में क्या हम बताए हैं, नियम तीन में बताए हैं, जैसे ही सेड, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम आई गोइंग टू स्कूल। यानी कहने का मतलब, हम सूत्र बताए हैं 123 बटे सन, ये नरेशन का सूत्र है, ये आना चाहिए। अब इसमें हम बताए हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है वो यू है, और थर्ड पर्सन जो है वो ही सी इट दे अक्योग नाम हो, ये थर्ड पर्सन में आता है। कहने का मतलब 123 बटे सन का मतलब क्या है, हम पार्ट वन में बताए हैं, विस्तार में बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा कि एक का मतलब था फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, यन का मतलब नो चेंज। अब देखिए हम पार्ट थ्री में क्या बताए हैं, पार्ट थ्री में आपको बताए हैं जो कामा के पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब जो कामा के पहले लिखा हुआ है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब, हमारा वाक्य देख, पहले हम जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है पहले वही वाक्य हम देखेंगे। हमने देखा लिखा हुआ आई एम गोइंग टू स्कूल, कभी भी तुम्हारे सामने कभी ऐसी सीन आती है कि जो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सहायक क्रिया से हुई हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ हो, सहायक क्रिया है क्या, डू डज डिड बिल सेल इज आर एम वाज बेयर हैज हैव हैड, ये हमारा सहायक क्रिया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो हम सेड को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम आई एफ इफ या वेदर, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए या तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए
कब हम इफ या व्हिदर का प्रयोग करते हैं तो हम उनसे यही बताएंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। समझ में तो आएगा कि जब जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तब तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही इफ या व्हिदर का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए अभी सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। सेड को हमने आस्क्ड में क्यों बदला, क्योंकि हम जानते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच मतलब जब यहां पर हसिया का चिन्ह लगा हो, सहायक क्रिया से नहीं मतलब है, आगे नहीं सहायक क्रिया से तो मतलब है ही है और हसिया का चिन्ह भी लगा हो तो यहां पर हम सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। याद रखिए अगर किसी ने पूछ लिया, ये भी कह सकते हो उन्होंने पूछ लिया कहो सेड को आस्क्ड में कब बदलेंगे तो बता दीजिए जब एनी के अंतिम में हसिया का चिन्ह लगा होगा, जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो हम सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। हम तो हमने सेड को आस्क्ड में बदल दिया और PO2 को हटा देंगे, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं। कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए या तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो व्हिदर का प्रयोग करेंगे। इफ जो है छोटा है, स्याही कम लगेगी, जगह कम घेरेगी, इसलिए हम आई या इफ का प्रयोग करते हैं। अब हम बार बार नहीं बताएंगे इफ का प्रयोग हमने क्यों किया, हमने एक बार बता दिया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही इफ का ही प्रयोग करते हैं या व्हिदर का प्रयोग करते हैं। अब जब हमारा यानी कामा इनवर्टेड कामा जब हट जाए तनिक रुक जा, हर यानी पार्ट वन में भी हम बताए, पार्ट टू में बताए, पार्ट थ्री में बताए, पार्ट फोर में भी बता रहे हैं कि कामा इनवर्टेड कामा हटाने के बाद तनिक ही रुक जा। अब देखा रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता का है, ये तो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता है नहीं, ये तो सहायक क्रिया है, हम ये तो क्रिया है, ये तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, तो सहायक क्रिया यही मतलब यही कर्ता यही है। तो इन्हीं कामा इनवर्टेड कामा हटाने के बाद अब हम चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर। अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, आई है। अब देखा आई कौन सा पर्सन है, अब देखा था कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब ये देखा कहो जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन है तो काम किकरे अनुसार बदलाव, तो हम देखा थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार बदलेंगे। तो ये अगर कभी तुम्हारे सामने ऐसी सीन आती है यदि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम किनारे यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। यहां रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता ही है इसलिए यहां ही उतार लेंगे हम। अगर यहां सी होता तो यहां सी उतार लेते, यहां बी होता तो यहां बी उतार लेते। अगर कहो इन्हीं की ऐसी सीन आती है कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। बदलने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को हम चेंज कर दी, एक स्टेप बस वही लास्ट स्टेप रहेगा का ओके टेंस। कहने का मतलब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में बताइए जब सहायक क्रिया ना हो और क्रिया सेकंड फॉर्म में हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नियमानुसार चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, जैसा हमने पार्ट वन में बताया है कि
अब देखेंगे ये कौन सा टेंस है, जो नेम ई जा रहे हो और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, अगर ये दोनों चीज मिले या तो ईट मिले या तो वार या तो वाइम, और क्रिया में आईएनजी मिले तो समझ लेना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो यानी कि अगर उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उसका नियम है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब हमका मालूम हो गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदले का है, लेकिन जो ने टेंस बदले का है पहले ही देखा कि वह टेंस के सहायक क्रिया का होता है, और वह सहायक क्रिया के अनुसार क्रिया लग जाए कि उसके अनुसार क्रिया क्या लगता है। अब जैसे अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया या तो वाज है या तो बेयर है, अब चूंकि अब यहां ही है, ही एक वचन है, इसलिए हम आई एम की जगह पर हम वाज लगा देंगे। अगर अभी यहां अगर बहुवचन होता तो हम बेयर लिख देते, अगर एक वचन है तो वाज, अब बहुवचन है तो बेयर लिखेंगे। अब आई यानी कि इसका हिसाब हो गया, मतलब आई की जगह पे ही हो गया, आई एम की जगह पे वाज हो गया। अब बचा एक दो तीन, ये तीन बचा हुआ है। अब चूंकि हम जानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है और उसमें आईएनजी लगाया जाता है, तो जब पहले से ही क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखा है और उसमें आईएनजी लगा हुआ है तो हमको करना क्या है, हमको केवल इस तीनों को उतार लेना है, गोइंग टू स्कूल, और अंत में जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब ये हमारा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक जो लगा हुआ है ये हट जाएगा। एक बात इसमें एक और बताएंगे, इसका हम और भाग बताए हैं भाग तीन में, अगर नहीं देखे हो उसको देख लीजिएगा। आगे देखिए लिखा है आई सेड टू हिम कामा इनोटेड कामा, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, हैड 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 ही हैड ही प्लेड क्रिकेट, I said to him, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, had he played, क्या वह खेल चुका था क्रिकेट, क्रिकेट क्या वह क्रिकेट खेल चुका था। तो अब इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है, लास्ट एग्जाम्पल है, इसी में समझ लीजिएगा, फिर एक बार को कायदे से हम समझा देते हैं। अब वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, यानी कहने का मतलब, अब फिर देखिए सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखेंगे, उसकी शक्ल कैसा है, उसका फेस कैसा है। हमने देखा तो उसका फेस दिखाई दिया है, जो शुरुआत जो मेन पॉइंट होता है उसी को फेस कहते हैं, यानी कि हेड है। अब हेड है क्या, सहायक क्रिया है जैसा हम बताए हैं। तो याद रखे रहिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो हम क्या करते हैं, आई सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं और टीओ टू को हटा देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहां इफ लगा देंगे क्योंकि छोटा है, इफ लगा दिए। इफ क्यों लगा दिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ है, इसलिए हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग कर रहे हैं, हम बताएंगे नहीं, इफ लिख दिए। सुन लीजिए, हमने हर बीट पार्ट में बताए, वीडियो बताए हैं कि जब जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो पेन तनी देर के लिए रोक दिया, अब तनिक दिमाग चला लिया,
ये नहीं कहने का मतलब जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तब कहां चलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पे चलेंगे। अब हम देखेंगे रिपीटो सहायक क्रिया है, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता यही है। अब देखा रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता कहां है, हमने देखा इन्हीं रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता ही है। अब ही कौन सा पर्सन है, तो हमने देखा ही जो है ही थर्ड पर्सन है। अब हमका पता चलिए कि जोन रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता है वो थर्ड पर्सन में है। अब ये तनी के पता लगा ले कि का हो जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता थर्ड पर्सन रहे तो का के गृह अनुसार बदला, तो हम एक पता कहां से लागे 123 बटे सन से लागे। जब हमने उसमें देखा तो हमने ये देखा थर्ड पर्सन ये है, जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन है तो उसको रियल का मतलब कि नहीं चेंज करते, नो चेंज। तो यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसी सीन आती है कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन है तो उसको हम नहीं चेंज करेंगे बल्कि उसी को हम उतार लेते हैं, उतार लिया। अब जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता के हिसाब किताब हो जाए तो समझ ला कि एक स्टेप वही टेंस के और है। अभी पहचान ला कि जो रिपोर्टेड स्पीच जो वाक्य है सेंटेंस है किस टेंस में है, तो हैड ही प्लेड क्रिकेट, जिस वाक्य में हैड दिया गया हो, हैड जो है किसका मतलब किसका सहायक क्रिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस के। अगर है जो ने वाक्य में हैड रहा है और हमन क्रिया थर्ड फॉर्म लिखा रहा है तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हमका पता चलिया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस जो नाट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब तनी कि यह और पता लगा ला कहीं से फोन करके का भैया जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में रहे तो का चेंज के थम करब, चाहे याद कहला कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं, तो फिर इसमें ही हैड ही उतर आए, तो इसकी जगह भी हो गया, इसकी जगह भी हो गया। अब बाकी इसको ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं, प्लेड क्रिकेट। अगर कहीं दिक्कत हो बताइएगा। अभी अगर हम बताए ही जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हम जो हम ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाए हैं ये हट गए। फिर ये हमारा नियम है 3, जब कहने का मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तब हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, उसमें नियम लगाते हैं 3, जैसा कि वीडियो यानी पार्ट 3 में हम बताए हैं। अब हम बताने जा रहे हैं, देखिए डब्ल्यू एच के मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच हम लिख देते हैं सुंदर राइटिंग में, जब रिपोर्टेड स्पीच देखिए अब नियम चार हम बता रहे हैं। अब नियम चार में हम क्या बता रहे हैं, देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यू एच परिवार से शुरू हो। अब भाई कुछ बच्चे हमारे ये कहेंगे कि डब्ल्यू एच का परिवार है क्या, डब्ल्यू एच के परिवार कहां बा, तो डब्ल्यू एच के परिवार देख लीजिए। डब्ल्यू एच का मतलब देखा होया, देखा डब्ल्यू एच है वाई, डब्ल्यू एच है होए, डब्ल्यू एच है व्हाट, डब्ल्यू एच है व्हिच, डब्ल्यू एच है हु, डब्ल्यू एच है मतलब यानी डब्ल्यू एच इनके परिवार से। अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर डब्ल्यू एच के परिवार से अगर प्रारंभ हुआ तो हम करेंगे क्या, जैसे ही सेड टू मी कामा इनोडेड कामा Where do you go? Where do you go?
तुम कहां जाते हो, यानी कहने का मतलब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। सुन लीजिएगा, बिल्कुल हम एक एक नियम 11, 9, 10, 11, 12 जितने नारेशन में जितने नियम हैं, एक एक नियम बताएंगे, कोई नियम छूटेगा नहीं कि गुरुजी ये नियम नहीं बताएं, बसरते हर भाग आप लोग देखिए। अब देखिए इधर, अब इसी को हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे चेंज करेंगे, पहले हम तो देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि हमने कहा है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो कामा के पहले लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब डायरेक्ट नारेशन के दो भाग होते हैं, पहले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरे भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब देखा, रिपोर्टेड स्पीच जो है डब्ल्यू एच के परिवार से शुरू है, नहीं ये हुयर किसके परिवार का है, डब्ल्यू एच के परिवार का है। कहन भाई हुयर किधरे घर के हैं, किसके परिवार के हो, कहना अरे कुछ नहीं डब्ल्यू एच के परिवार के ही, करा जा अच्छा ठीक ठीक, वो डब्ल्यू एच वो हुयर आपके भाई है ना, हुयर हुयर व्हाट हु ये सब आपके भाई हैं, आपके आपके तो ही परिवार के हैं, कहना हाँ ये सब हमारे परिवार के हैं। कहने का मतलब कि जब रिपोर्टेड स्पीच अगर डब्ल्यू एच से प्रारंभ हो, तो हम अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, सुन लीजिए। ही सेड, अब सेड को किसमें बदलेंगे, हमने कहा है, अब ये कह दी कि सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे, तो क्यों बदलेंगे, क्योंकि अंतिम में हसिया का चिन्ह लगा हुआ है, सीधी बात है। जो हम कहें उन उसको दिमाग में नोट कर लीजिए, यानी सेड को आस्क्ड में हम कब बदलते हैं, जब अंतिम में हसिया का चिन्ह लग रहा है। अगर अंतिम में हसिया का चिन्ह लगा हुआ, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, तो समझ ला कि सेड का आस्क्ड में बदला जाए, तो सेड को आस्क में बदल देंगे, ए सेड का आस्क बदलने के बाद तीनों टू घटा दे, हम उसके आगे वाले शब्द को हम उतार लेते हैं, उतार ले हैं। अब आइए कामा इनवर्टेड कामा पर, अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करें, अब तो ये डब्ल्यू एच के परिवार से शुरू है, अगर रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यू एच के परिवार से प्रारंभ हो, तो याद कर लेना इनसे इनका बदल के कहो गलती, जिनके यहां ये ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोग से दुश्मनी नहीं ले चाहिए, तो ये डब्ल्यू एच का परिवार ताकतवर का परिवार कहलाता है, इसलिए हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए जो यहां डब्ल्यू एच का परिवार लिखा गया है इसी को हम उतार लेते हैं, कहीं से लाना नहीं है। अब हमारे बच्चे समझ गए होंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर डब्ल्यू एच के परिवार से शुरू है, तो हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए उसी डब्ल्यू एच का परिवार जो लिखा जो वहां पर हो उसी को उतार लीजिएगा, अगर होयर हो तो होयर, हुआई हो तो हुआई, जो भी डब्ल्यू एच के परिवार के जो भी यहां लिखा गया हो उसको उतार लेंगे, उसको जब उसको हम उतार लेंगे तो कामा इनवर्टेड कामा हट जाए। तो हम बताए ही, जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो हम देखेंगे कि अब कहां चलते हैं, कर्ता पे चलेंगे, और कर्ता यहां क्या है, यू है। अगर कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो हम पेन बंद कर लेंगे, हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे, अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, हमने देखा है रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू है, अब देखेंगे यू कौन सा पर्सन है, तो हम देखा नहीं यू जो है सेकंड पर्सन है, अब फिर ये पता लगाएंगे, कहो जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता सेकंड पर्सन है तो ऊ अब बदला के मन जाए, कौने पर्सन में बदलेंगे, तो मतलब किसके अनुसार बदलेंगे हम, तो हमने देखा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन हो तो उसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कर्ता को कर्म के अनुसार। अब अगर
यानी कि यहां का कर्ता जो है रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि सेकंड पर्सन हो तो इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलेंगे। यहां रिपोर्टिंग वर्ब का कर्मी है तो इधर आइए तो आई हो जाए, नीक आई हो जाए। अगर यहां हिम होता है ही हो जाता है, अगर यहां अस हो तो यहां वी हो जाए, जैसा हम बताए ही। अब यानी कि एक हिसाब हो गया। अब ये देखा कौन टेंस में है, जोने वाक्य में डू या डज हो तो ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है, समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया डू डज है तो हम डू डज लगा दिए। अब इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है सहायक क्रिया ना लिखी जाए, क्रिया सेकंड फॉर्म हो जाए, यानी एक हिसाब हो गया, एक हिसाब हो गया। अब ये सहायक क्रिया इंडेफिनिट टेंस का है प्रेजेंट के, तो अब इसको लिखा नहीं जाएगा, अब यही क्रिया को सेकंड फॉर्म में हम लिख देंगे। तो अगर सहायक क्रिया ना लिखा और जो क्रिया लिखी रहा है उसका सेकंड फॉर्म में लिख दिया तो यह हमारा हो जाए यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब हो गया ही आस्क्ड मी व्हेयर आई बीन, जैसे दूसरा है एक बार देखिए राम, राम सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा यानी हु आर यू, हु आर यू तुम कौन हो, यानी कहने का मतलब राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे क्या कहा, हु आर यू, हु माने कौन, आर माने हो या आर माने है, यू माने तुम कौन है, गलत है तो तुम कौन हो। तो अब यानी कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, अगर कभी भी कोई किसी वाक्य को अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने देखा हम पहले रिपोर्टेड स्पीच जो कामा इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है पहले इसको देखेंगे। अब हमने ये देखा कि ये जो है रिपोर्टेड स्पीच जो प्रारंभ है वो डब्ल्यू एच से प्रारंभ है, अगर डब्ल्यू एच से प्रारंभ है तो इसका मतलब डब्ल्यू एच के परिवार का है, तो अगर डब्ल्यू एच के परिवार से अगर प्रारंभ है तो हम क्या करेंगे, राम, राम सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं और टीओ टू को हटा देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए उसी डब्ल्यू एच के परिवार को उतार लेते हैं। डब्ल्यू एच के परिवार को उतारने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब कामा इनवर्टेड कामा हट गया, अब सीधे चलेंगे हम कर्ता पे, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर। अब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता हमने देखा यू है, अब देखा यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, अगर यू सेकंड पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नी है तो यहाँ आई हो जाए। अब एक हिसाब हो गया, एक हो गया, अब वो आर बचा हुआ है, इज आर एम को वाज या बेयर में बदल देते हैं। कभी तुम्हारे सामने ऐसी सीन आती है कि डायरेक्ट नरेशन में इज आर एम है और उसे हमें चेंज करना है वाज या बेयर में, तो इज आर एम को वाज या बेयर में बदल देंगे तो आई के साथ में वाज लगेगा इसलिए वाज लिख दिए, तो भैया राम आस्क्ड मी हु आई वाज। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो हम तीसरा देते हैं एग्जाम्पल, लिखा है मी कामा इनवर्टेड कामा व्हाई, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी कि ही से टू मी उसने मुझसे कहा व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। देखिए अब यानी कि ये वाक्य हमने दिया है, अब जैसे ये दो वाक्य हम बताए हैं, अब इसी तरह से ये तीसरा वाक्य करिएगा। कहने का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यू एच के परिवार से प्रारंभ हो तो हम उसका अगर उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, हम नियम बता दिए हैं, इसको चेंज करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो हमारा शुरू से आखिरी तक देखिएगा। अब हम अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।